नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। चार नाबालिग लड़कियों से बलात्कार करने का आरोपी और एक अखबार का मालिक प्यारे मियां एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। प्यारे मियां पिछले 6 महीने से पुलिस की हिरासत में है। यह नाबालिग लड़कियों को इंटर्नशिप पर रखने के बहाने उनका शोषण करता था। लड़कियों से अपने आप को अब्बू कहलवाता था और उनको अश्लील वीडियोस दिखाकर उनका रेप करता था। इतना ही नहीं, प्यारे मियां खुद तो उनका रेप करता ही था, साथ में अपने रईस दोस्तों को बुलाकर उनके साथ मिलकर नाबालिगों का शोषण करता था। प्यारे मियां लड़कियों का रेप कर उनका वीडियो बना लेता था और फिर उनको ब्लैकमेल करता था और लगातार उनका शोषण कर रहा था। प्यारे मियां ने जिन लड़कियों का रेप किया था उन्हीं में से 2 लड़कियों की कल देर रात हालत खराब हो गई। लड़कियों के घर वालों का आरोप है कि किसी ने उनको जहर खिला दिया। ये लड़कियां हॉस्टल में रहती थी। देर रात हुई इस घटना के बाद लड़कियों को हमीदिया अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि लड़कियों की हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं आया है, इनकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। कुछ लोगों का कहना है कि जब से प्यारे मियां ने लड़कियों के साथ घिनौनी हरकत की थी उसके बाद से ही ये लड़कियां डिप्रेशन में रहती थी। इसी डिप्रेशन से निकलने के लिए डॉक्टर ने लड़कियों को नींद की गोलियां दे रखी थी जो वो लगातार खाती थी। इसलिए ऐसा हो सकता है कि उन्होंने नींद की गोलियां ज्यादा खा ली हों और बेहोश हो गई हों। रात में खाना खाने के बाद ही लड़कियों की हालत बिगड़ी थी, जिसके बाद इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और लड़कियों के घर वालों को उनकी हालत की जानकारी दी गई। लेकिन घर वालों का कहना है कि उनकी लड़कियों को जहर दिया गया है। लड़की के घर वाले लगातार हॉस्टल प्रशासन से लड़कियों को घर भेजने की मांग कर रहे थे, लेकिन हॉस्टल वाले लड़कियों को वापस घर भेजने के लिए राजी ही नहीं थे। इसको लेकर परिजनों ने अधिकारियों को भी पत्र लिखा था, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की थी। इसी बात को लेकर हॉस्टल प्रशासन और लड़कियों के बीच कुछ दिन पहले झड़प भी हुई थी और जमकर हंगामा हुआ था, क्योंकि नाबालिग लड़कियां अपने घर जाना चाहती थी और हॉस्टल वाले उनको घर भेज नहीं रहे थे। इसलिए ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हॉस्टल वालों ने ही लड़कियों को जहर देकर मारने की कोशिश की। अब लड़कियों को जहर दिया गया या फिर नींद की गोली खाने से ऐसा हुआ है, ये बात तो जब लड़कियां होश में आएंगी और गवाही देंगी तभी साफ हो पाएगा। घर वाले ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर लड़कियों ने नींद की गोली खाई तो उनके पास नींद की गोलियां कैसे आई। ये सब हॉस्टल की लापरवाही से हुआ है। फिलहाल यह मामला वाकई में गंभीर है और सभी सवाल भी जायज हैं। इसलिए पूरे मामले की जांच कमला नगर थाना पुलिस कर रही है। पीड़ित लड़कियों की हालत इस कदर खराब है कि उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है और वो जिंदा भी बचेंगी या नहीं ये कुछ कहा नहीं जा सकता। घटना के बाद लड़कियों की माँ की हालत भी बहुत गंभीर है। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। पीड़िता की माँ कह रही है कि मुझे कोई बोल रहा है कि मेरी बेटियां का ब्रेन डेड हो रखा है, कोई कह रहा है कि वो नहीं रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे मेरी बेटी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा, मुझे मेरी बच्ची जिंदा चाहिए और कुछ नहीं। खैर, अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और जल्द ही सभी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। इस पूरे कांड में अगर प्यारे मियां का हाथ पाया गया तो पुलिस की खातिरदारी तो वैसे ही कर रही है, लेकिन इस मामले के आने के बाद उसकी खातिरदारी में व्यवस्था और भी बढ़ा दी जाएगी और पुलिस उसका ऐसा हाल करेगी कि दोबारा किसी लड़की के साथ गलत काम करने पर उसकी रूह कांप जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।